टिकुलगुड़ा के पास नक्सली मुठभेड़ में हमारे तीन जवान शहीद हुए और 15 जवान घायल हुए। तो सबसे पहले तो तीनों जवान के शहादत को नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं। और जब से डबल इंजन की सरकार बनी है, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, नक्सलवाद के साथ लड़ाई मजबूत हुई है और इसका बौखलाहट नक्सलियों में है। और कल की घटना में भी वहां पर टिकुलगुड़ा में कल ही सुरक्षा शिविर, सुरक्षा कैंप शुरू हुआ था और अचानक हमारे जवानों के ऊपर में अटैक हुआ। लेकिन लगातार ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। कल हम लोग रायपुर में अस्पताल भी गए, बालाजी अस्पताल और नारायणा अस्पताल, हमारे जवानों से मिले जो घायल हुए और बहुत मजबूती के साथ, साहस के साथ उन्होंने मुकाबला किया। उनके हौसले बुलंद हैं और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की भी हम कामना करते हैं। और हम लोग हमारी सरकार सुरक्षा कैंप स्थापित करके ऐसे क्षेत्रों में सरकार की जो योजनाएं हैं, जो सुख सुविधा है, उसको पहुंचाना चाहते हैं। उनके बसाहट तक रोड बने, उनके पक्का के मकान बने, उनके घरों में बिजली पहुंचे, राशन पहुंचे, ये सब हम लोग चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है। लेकिन शायद नक्सली लोगों को ये सब मतलब अच्छा नहीं लगता है और इसलिए एक कैंप का विरोध करते हैं। लेकिन हमारे जवानों के हौसले बुलंद है, लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। मोबाइल कनेक्टिविटी बहुत बड़ी समस्या है उन इलाकों में, इसीलिए जवान को सूचना नहीं पड़ी। मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए क्या करेगी? सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। अभी कुछ दिन पहले माननीय गृह मंत्री जी हमारे देश के आए हुए थे और सब विषयों पर चर्चा हुई है। जो भी बुनियादी जरूरतें हैं सब पूरा पहुँचाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।